हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सवी और आपका स्वागत है मेरे चैनल सवी फैक्ट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2017 में रिलीज हुई फिल्म फुकरे रिटर्न्स के बारे में, जिसके डायरेक्टर थे मृगदीप सिंह लांबा। इस फिल्म में पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, अली फजल, मनजोत सिंह, ऋचा चड्ढा, पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकारों ने काम किया है। IMDb ने इसे रेटिंग दी है 10 में से 6.5 और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही याल पर क्लिक कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही एंटरटेनिंग इन्फो लाती रहती हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं फुकरे रिटर्न्स फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने किस्से जो आपको पता नहीं होंगे। फ्रेंड्स, इस फिल्म का टोटल बजट था 22 करोड़ और इस फिल्म ने टोटल 107 करोड़ कमाए थे। इस फिल्म को अभिनेता अशरफ उल हक को समर्पित किया गया था, जिन्होंने 2013 में आई फुकरे रिटर्न्स में काफी महत्वपूर्ण रोल निभाया था। उस फिल्म में उनका किरदार लाली की बाइक के पार्ट्स चुराना रहता था। उनकी मृत्यु 2015 में कैंसर की वजह से हो गई थी। फ्रेंड्स, फिल्म के टाइगर वाले सीन्स को देश के बाहर फिल्माया गया था और सांप वाले सीन्स को कंप्यूटर द्वारा बनाया गया था। इस फिल्म के लिए पुलकित सम्राट ने अपना वजन काफी कम किया था ताकि वो थोड़ा यंग दिख सके। फ्रेंड्स, इस फिल्म को 15 दिसंबर 2017 में रिलीज होना था, यानी संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के रिलीज होने के 2 हफ्ते बाद। तब पद्मावत 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन पद्मावत के साथ हो रहे विवाद के चलते फिल्म को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिला, जिसकी वजह से फिल्म पद्मावत की रिलीज आगे बढ़ानी पड़ी और इसी वजह से फुकरे रिटर्न जो 15 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी उसे 8 दिसंबर को ही रिलीज कर दिया गया। फ्रेंड्स, अगर आपको पद्मावत फिल्म से जुड़े अनसुने किस्से जानने हो तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी जरूर देखें। फ्रेंड्स, फुकरे और फुकरे रिटर्न की अपार सफलता के बाद फुकरे 3 भी अब जल्द ही आने वाली है, जिसमें कास्ट और डायरेक्टर सब पहले जैसे ही रहेंगे। फुकरे 3 की स्टोरी पर काम चल रहा है और फिल्म 2020 में ही रिलीज की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको भी फुकरे रिटर्न फिल्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्य पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।